हजारीबाग के बड़े कोयला व्यवसायी राजेंद्र कुमार गुप्ता के यहाँ आईटी की रेड लगभग 12 घंटे से जारी है। बताया जा रहा है कि छापेमारी में 15 लोगों की टीम है और यह टीम 3 दिनों से हजारीबाग में थी और व्यवसायी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के सभी ठिकानों की रेकी कर रही थी। छापेमारी के दौरान 2 नोट गिनने की मशीन अंदर बाहर होते देखी गई है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अंदर बड़े मात्रा में कैश होने की संभावना है। न्यूज़ 22 स्कोप से, और सुबह हमने एक जानकारी दी थी कि हजारीबाग के एक बहुत बड़े व्यवसायी के घर में आईटी का छापा पड़ा है, ईडी का छापा पड़ा है, जिसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि आईटी का छापा है या ईडी का छापा है, लेकिन हमारे पीछे दिख रहे घर में अभी भी लगभग 12 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया है और अभी भी छापा जारी है और अभी तक ये पुष्टि नहीं है कि ये छापा किन का है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो एक खबर हमें पता चला है वो ये है कि जो टीम यहाँ पे छापा कर रही है वो 15 लोगों की टीम है और ये टीम 3 दिनों से हजारीबाग में थी। इनके घरों के, इनके मॉल की रेकी पूरी तरह से की गई है, अच्छे से की गई है और एक हजारीबाग के होटल में लगभग 13 कमरे बुक थे इन लोगों के लिए और उसके बाद ये छापा यहाँ पड़ा है। और जैसा कि देखने को मिला है हमें कि लगभग 2 मशीन जो है बैंकों से मंगाकर नोट गिनने की ले जाई गई है या फिर ये मशीन अंदर थी, इसकी भी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। सारी जानकारी जब ये छापा कंप्लीट हो जाएगा, ये रेड कंप्लीट होगा, तभी हमें मिल पाएगी। लेकिन जो हमें पता चल रहा है कि बड़ा रेड है और 12 घंटे से ज़्यादा का समय होने के बाद भी ये रेड जारी है। कुछ लोग जो बाहर आए थे उन्होंने हमें ये बताया कि ये रेड अभी और लंबा चलेगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये रेड किसका है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये रेड अभी और लंबा चलने वाला है। तो झारखंड की स्थिति को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद फिर से कुछ बड़े राजनीतिक संकेत मिलने वाले हैं। और जैसा कि झारखंड में देखने को मिल रहा है, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के 3 विधायक बंगाल में पकड़े गए थे और कुछ सीएम के जो विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा, उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा था। तो झारखंड के राजनीतिक परिवेश को देखते हुए ये गलत नहीं होगा कि कुछ बड़ा यहाँ से भी हो सकता है, जो कि जब ये रेड कंप्लीट होगी तो हमें पता चलेगा। कैमरा साथी के साथ मैं शशांक, न्यूज़ 22 स्कोप के लिए। आपको बता दें कि हजारीबाग के बड़े कोयला व्यवसायी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के आवास पर आईटी की रेड लगभग 12 घंटे से जारी है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी हजारीबाग से शशांक जुड़ चुके हैं। शशांक, आईटी की रेड लगभग 12 घंटे से जारी है, क्या कुछ हाथ लगा, क्या कुछ सामने आ रही है बातें? जेम्स का अभी लगातार कल सुबह 6 बजे से आईटी की रेड हजारीबाग में एक व्यवसायी है, कोल व्यवसायी है, नाम है राजेंद्र साहू, उनके घर में आईटी की रेड जारी है। लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि वो आईटी की रेड है या ईडी की रेड है। कल शाम 9 बजे तक मैं वहां मौजूद था और उस टाइम तक रेड जारी थी। खबर है कि अभी भी वो रेड जारी ही है। और एक और हजारीबाग में होटल व्यवसाय करते हैं, नाम है उनका सुरेंद्र भंडारा, उनके होटल भंडारा पार्क में भी आईटी की रेड पड़ी है और खबर है कि वहां से बड़ी मात्रा में कैश की बरामदी हुई है। अनुमान है कि 22 करोड़ रुपया वहां से कैश बरामद किया गया है। तो ये 2 जगहों पर तो अभी हम लोगों को जानकारी है कि आईटी की रेड चल रही है। और जैसा कि अभी झारखंड का राजनीतिक परिवेश चल रहा है, उस हिसाब से ये कुछ बड़ा राजनीतिक संकेत लेके आ सकता है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। और जिस तरह से अभी तक हजारीबाग की बात कर ले तो हजारीबाग में इतनी बड़ी रेड पहली बार हुई है। लोगों का कहना है कि हजारीबाग में इतनी बड़ी रेड, आईटी की रेड पहले भी हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन इतनी बड़ी रेड नहीं हुई थी, इतनी लंबे समय तक कोई रेड अभी तक नहीं चली थी।
तो इतने लंबे समय तक चलने वाली पहली रेड है, देखना ये होगा कि क्या निकल के सामने आता है। जी अनुष्का, धन्यवाद शशांक तमाम जानकारियों के लिए।